हाय, जैसे कि आज आपने थंबनेल पे देखा है, आज हम जानने वाले हैं कैसे हम हमारी लाइफ में स्ट्रेस फ्री लाइफ को जी पाएं, और तीन तरीके जानने वाले हैं। और वीडियो के एंड में एक अच्छी खुशखबरी भी आपको दूंगा कि आप उसको कैसे कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, छोटा वीडियो है लेकिन यूज़फुल होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो टॉपिक आया है, ये क्यों मैंने चूज़ किया। इसका मेन मकसद है कि अभी जो रिसेंट टाइम में मैंने काफ़ी सारे स्ट्रेस के ऊपर, एंग्जाइटी ऊपर वीडियो बनाए हैं, तो वहाँ पर आपका बहुत अच्छा प्यार मिला है, बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, और मेरी टीम के पास अभी काफ़ी सारे मैसेज आए हैं इसके ऊपर कि सर ऐसा कुछ प्रोग्राम आप चलाइए जहाँ पे हम इन चीजों को ओवरकम कराएं। तो इसके ऊपर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, मैं लास्ट के वीडियो के एंड में दूंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये स्ट्रेस होता क्यों है, क्यों हम ऐसी लाइफ नहीं जी पाते जहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो या फिर ना हो, थोड़ी दूरी रहे उससे। तो सबसे पहला, इसकी जो मेन दो दिक्कत है, दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, पास्ट में जीना पसंद करते हैं। मतलब हमारा जो माइंड है ना, वो पास्ट में जी रहा है। जैसे कि हमारे पीछे वाली लाइफ में हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, या फिर मैं वेट लॉस की बात करूँ तो हमने पहले कुछ करा है लेकिन नहीं सक्सेस हो पाए, और उस सक्सेस की वजह से हमारे रिश्तेदारों ने हमने कुछ ताने मार दिए, तो आज भी हम उस चीज़ पर अटके पड़े हैं। तो क्या करते हैं, हम पास्ट में ज़्यादा ज़िंदगी जीना करते हैं। और एक और जो दिक्कत क्या आती है लोगों के साथ, कि वो फ्यूचर में ज़्यादा जीते हैं। जैसे कि फ्यूचर की कुछ ऐसी जो टेंशन जो नहीं है, लेकिन हम उसको लेके ज़्यादातर चलते हैं और उसके ऊपर ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि यार ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, ये मेरा नहीं हो रहा है। तो इस जगह से दो एक बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में आती है, वो ये है कि एक तो है कि हम पास्ट में जीना कर रहे हैं, या फिर एक फ्यूचर का ज़्यादा टेंशन लेके हम जिंदगी जी रहे हैं। और सबसे मेन दिक्कत क्या होती है लोगों के साथ और सबके साथ, कि वो मतलब प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। और इस वजह से क्या करते हैं, उस प्रेजेंट में नहीं जीते, इस वजह से वो प्रोसेस पे ज़्यादा मजे नहीं ले पाते, और वो एंड गोल के लिए ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कि यार वैसा सब, वो जो मैं वेट लॉस की बात करूँ तो आप ये सोचेंगे कि यार 4 महीने बाद मेरा वो रिजल्ट नहीं बना तो क्या होगा, या फिर किस तरह से क्या बनेगा। तो हम उसकी टेंशन ज़्यादा लेते हैं, और प्रेजेंट का जो मज़ा होता है उसको हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू नहीं करते और उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों को तो पहले समझें कि लाइफ में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पास्ट में ज़्यादा नहीं जीना है और फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, हमें प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। अब इसको क्या कर सकते हैं, मैं बिलीव करता हूँ, मैं मेरे लोगों को भी बताता हूँ कि आप प्रोसेस पे ज़्यादा मजा लें। बोलते हैं ना, आपने शायद एक लाइन भी पढ़ी होगी कि आप घूमने जा रहे हैं तो उस डेस्टिनेशन का जितना अच्छा नहीं है जितना उतना वो जो मुसाफरी करते हैं, हम प्रोसेस में होते हैं ना, कहीं रस्ते में जा रहे हो, रस्ते का मज़ा ज़्यादा आता है। तो इस चीज़ पर ज़्यादा मैं भी बिलीव करता हूँ, मैं मेरे लोगों को भी बताता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर 3 ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ कि जो आप उसको फॉलो करते हैं तो ये स्ट्रेस वाली जो चीज़ें हैं ना, ये दूर दूर तक आपके पास नहीं आएगी। तो पहली जो उसमें टिप्स है वो है कि आप ये सोचें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं ना कि जब हम बहुत बार ये सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तब आपकी बोलते हैं ना कि जब वो चीज़ नहीं होती या फिर आप जैसा सोच रहे वैसी नहीं हो पाती, तो फिर हमें ज़्यादा टेंशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो आपको कोई थॉट रखना है, वो रखना है कि भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस जो अभी है वो मेरे लिए काफ़ी है। तो जो आप ये थॉट रखते हैं तो आपको इसमें रिलीफ मिलता है। सेकेंड जो थॉट है वो है कि मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। मतलब इस प्रोसेस में, आज की प्रोसेस में, आज के मतलब मैं आज का दिन पकड़ूं, अभी का समय पकड़ूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो आप ये फीलिंग लेते हैं तो भी आप स्ट्रेस फ्री होते हैं। बोलते हैं ना, जब हम अपने आप को जीरो गिन लेते हैं तो प्रेशर बिल्कुल भी जीरो हो जाता है आपके ऊपर। तो आप अपने आप को जीरो समझिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो आप एकदम से अच्छे से स्ट्रेस फ्री लाइफ कर पाएंगे। और लास्ट जो तीसरा है वो यह है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बोलते हैं ना कि बहुत बार मेरे पास ये काम है, वो काम है, 500 काम हमारे पास रहते हैं और टेंशन हमारे पास आए रहते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आप को रिलीज़ कर देना है कि भाई मेरे पास कुछ काम नहीं है, मैं बस आज मैं संतुष्ट हूँ। तो ये 3 चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में करते हैं, और ये सब चीज़ें करने के लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ती है। बोलते हैं ना कि प्रेजेंट में रहने का जो सबसे आसान कोई तरीका है वो है मेडिटेशन करना। और आपने मेरे काफ़ी सारे पीछे वीडियो में भी देखे होंगे कि मैं मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर चीज़ में हेल्प कर सकती है। एक तो स्ट्रेस रिलीफ तो आपको है ही है। सपोज आप ऐसे इंसान है, क्योंकि मेरे चैनल पे तो आप वेट लॉस के लिए देख रहे हैं, ये वेट मैनेजमेंट के लिए देखते हैं, तो मैंने रिसेंट कुछ वीडियो में आपको बताया था कि भाई आप बहुत सारी चीज़ें कर लो, आप डाइट कर लो, आप अच्छा जिम कर लो, वर्कआउट कर लो, लेकिन आपका माइंड आपको जो परमिशन नहीं दे रहा है, मतलब आप डाइट करना चाह रहे हैं लेकिन वो माइंड बोल रहा है कि यार खा लो, चलो आज बाहर का जाके खा के आ जाते हैं, तो क्या हम वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब सबसे पहले जो कोई चीज़ आती है वो हमारा माइंडसेट। बोलते हैं ना कि जो माइंडसेट सही है तो आप उस एंड गोल तक जा पाते हैं। और उस माइंडसेट के लिए मैंने 3 चीज़ें आपको टिप्स बताई, उसको करने के लिए आपको
मेडिटेशन आज की तारीख में एक मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूर्वज हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को भूल चुके हैं। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आप इन तीनों चीज़ों को आप ले सकते हैं अपनी लाइफ में और प्रेजेंट में जीना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत बार मेडिटेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ आपको सामने लाने वाला हूँ, इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये तीनों चीज़ें आप करेंगे तो बहुत सारा रिलीफ हो सकता है। जो आप एक गाइडेड मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, कि नॉर्मली क्या था कि अभी तक जितने भी बड़े बैच होते थे उसके अंदर मैं मेडिटेशन दिया करता था, सामने कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एक ग्रुप को मेडिटेशन कराने वाला हूँ। मॉर्निंग के बैच होने वाले हैं इसके अंदर। इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मेरा सीट रहेगी ये मतलब कम रहती है, 100 से ज़्यादा मैं इसमें इनरोल नहीं करूँगा, तो 100 की सीट रहेगी। प्लस ये हमारी हर एक महीने की 28 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, तो इस महीने का जो इनरोलमेंट जो आपका ये क्लास स्टार्ट होगा मॉर्निंग का वो 28 तारीख से रहेगा। तो आपके पास अभी 5-6 दिन है, इसको आप कर सकते हैं इनरोल। और नीचे मैंने लिंक दी हुई है मेरी टीम के, तो वहाँ पे भी जाके आप क्वेरी कर सकते हैं। और भी मैंने इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए चेक कीजिए कैसे हम इसको करें और कैसे इस मेडिटेशन का यूज़ करके इस क्लास का यूज़ करके हमारी लाइफ को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री बनाएं और बोलते हैं ना कि आज की लाइफ में आज में हम जीना स्टार्ट करें। तो इस वीडियो में यही था, और आप चाहते हैं इसमें क्वेरी करना जैसे मैंने बता दिया आप क्वेरी कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए चीज़ें। और हम मिलते हैं हमारे जो आप मास्टर क्लास ज्वाइन कर पाएं, मास्टर क्लास जो मेडिटेशन का, तो हम मिलेंगे हमारे 28 तारीख को मॉर्निंग में। थैंक यू।